सत श्री अकाल दोस्तों। तो जहां भी हम अपना फूड ग्रो करते हैं, यहाँ चाहे लॉन भी हो, उसको खुराक की तो जरूरत रहती है। तो फूड गार्डन में एक चिकन कूप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चिकन कूप जो पिछले कुछ दिन से हम बना रहे थे, अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब बस खाली इसमें मुर्गे लाके डालनी है, मुर्गी है। तो ये हैन हाउस में यहाँ पे ये नेस्ट जो आप पहले भी देख चुके हो, तो यहाँ पे ही बर्ड्स आके एग ले करेंगे। ये उनकी प्रवृत्ति होती है, वो अपने आप खोज लेते हैं इसको। और ये कूप का हिस्सा, इसके अंदर ऊपर रूस्ट बार्स, और ये अंदर से नेस्ट जो दिख रहे हैं, और इसके साथ ही बार्न भी है साइड में, जो जिसमें अपने आप जब चाहें वो इस बार्न में अपनी मर्जी से इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे मौज मस्ती करेंगे। और यहीं पे हम सिस्टम बनाएंगे अब ऑटोमेटिक फीडिंग और ऑटोमेटिक पानी का। हफ्ते में एक बार भी अगर हम उसमें काम कर लें थोड़ी देर, तो ये वर्चुअली मेंटेनेंस फ्री है। महीने में एक बार उसमें से वो निकालना है आपको, जो नीचे लेड होगा लकड़ी का बूरा, जिसमें बीट उनकी मिल जाएगी, और उसको निकालने के लिए भी कोई ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। यहीं से ये नीचे यहाँ पे जो एक नीचे डोर है, ये आप यहां से खोलिए और इसके यहाँ नीचे एक छोटी सी रेडी व्हील बरो लगा के, और अंदर से यहां से ऐसे सारा उसी व्हील बरो में चले जाएगा, और वो बेहतरीन खाद है। तो थोड़ी सी चिकन अगर आपके पास हो, अंडे आपको खाने के लिए मिलेंगे, और उसके अलावा बढ़िया खुराक पौधों के लिए भी। तो ये भी एक इंटेग्रल पार्ट है इसका, फूड गार्डन का। सत श्री अकाल, फिर मिलेंगे।